Sharks, fasten your seatbelts. The game is about to begin. 3, 2, 1, go! Sambhal, Amit. Hi. कैसा लगा आपको देख के? Very good. मजा आ गया, बहुत अच्छा चलाया आप। हमें भी ऐसा ही एड्रेनलिन रश होता था जब हम ये ड्रोन्स अपने कॉलेज में उड़ते हुए देखते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये ड्रोन्स खुद से बनाए। तो इसके लिए जब हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमने क्या देखा। ये ड्रोन्स इंडिया में मिलती ही नहीं है। Really? ये सारी की सारी ड्रोन्स फॉरेन के है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन ड्रोन्स को बाहर से अनऑथराइज तरीके से मंगवाते हैं। शार्क्स, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ड्रोन्स को इंडिया में फ्लाई करना बैन कर दिया है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉरेन ड्रोन्स थे। तो अब सिनेमाटोग्राफर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स, कमर्शियल शूटर्स क्या करेंगे, वो लोग ये ड्रोन्स कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हम लाए हैं इनसाइड एफपीवी। Inside FPV इंडिया की पहली कंज्यूमर बेस्ड लीडिंग ड्रोन कंपनी है, जो कि प्लग एंड फ्लाई FPV ड्रोन्स बनाती है। मतलब आप बैटरी को प्लग इन कीजिए ड्रोन में और फ्लाई कीजिए, और बाकी का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम देख लेंगे। तो शार्क्स, हम इनसाइड FPV के माध्यम से ड्रोन्स को इंडिया में पॉकेट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हमारे ड्रोन्स वेबसाइट से सिर्फ ₹2,800 पे लिस्टेड है, जो कि इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने कंज्यूमर्स को वन ड्रोन क्रैश वारंटी एंड फ्री कंसल्टेशन बाय एक्सपीरियंस पायलट जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी मिशन जो है वो इनसाइड FPV को नंबर 1 ग्लोबल ब्रांड बनाना है, इसलिए शार्क्स हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। मैं हूँ ओशी कुमारी। मैं हूँ अर्ज चौधरी। और मैं हूँ देवान भारद्वाज। और हम हैं द फाउंडर्स ऑफ टीम इनसाइड FPV। हम आपसे 75 लाख अगेंस्ट 4% की मांग कर रहे हैं। सो शार्क्स, आप इनसाइड FPV के साथ ये ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी है? नाइस नाइस, बड़ा एंथुजियास्टिक पिच था आपका, एंट्री भी सही थी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अर्थ, ओशी और देवांत, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। ये आपने कॉलेज में शुरू किया कि कैसे? हम लोग सारे VIT वेलोर इंस्टीट्यूट से आए हैं। लवली। मैं हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से, अर्थ भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, और देवान इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है। मैं अभी भी 4th ईयर में हूँ और ये लोग अभी 2 दिन पहले ही ग्रेजुएट हुए हैं। वाओ वाओ, क्या बात गाइस। थैंक यू। फैंटास्टिक टू सी अ वुमन इन स्टेम। थैंक यू। कम है हमारे देश में। ये इंडिया की फर्स्ट FPV वुमेन पायलट भी है। ओह वाओ, क्या बात है। वेल डन ओशी, वेल डन। तो ये पढ़ाई करते करते आपने ये जो सारे ड्रोन्स हैं ये बना लिया है, बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो पढ़ाई कब करते हैं आप लोग? सर, अभी तक तो 2 साल ऑनलाइन था, तो उसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पढ़ाई की ही नहीं की पढ़ाई की बट फिर भी वो 9 पॉइंटर है। 9 पॉइंटर क्या होता है?
नाइन पॉइंटर्स को वीआईटी में ऐसा बेनिफिट्स मिलता है जैसे उनको क्लासेस नहीं जानी पड़ती, उनको हर जगह ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ओह शी इज अ जीनियस। तो तुम लोग दोनों ऐसे ही साथ में लग लिए कि ये कुछ बना लेगी, हमारी भी गाड़ी निकल जाएगी। एफपीवी आपने कहा, इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन व्यू। तो आप यहाँ ही बैठकर आप अपने ट्रांसमीटर या रिमोट से आप अपने गॉगल्स में फीड देखते हो। वो फीड हम लोग जब देखते हैं वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर भी हम लोग घूम सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो गॉगल्स कहाँ हैं? कुछ देख सकता हूँ मैं? Yes. मैं आऊँ यहाँ पे? डेफिनेटली। भाई मेरे पास मत आना। तेरे पास ही आया ना। Hi, Aman. Yes, I am. Yeah, but I can see these guys very clearly. Good job, yeah. Bahut crazy hai, bahut difficult hai. ये है 2800 वाले। ये बच्चे भी उड़ा सकते हैं। ये दिख रहा है, इनके enthusiasm देख के लग रहा है बच्चे उड़ा सकते हैं। मेरे को नहीं, अमन के पास लेके जाना है। अबे ऐसी मक्की घूम रही मेरे आसपास। आर तू उसे भेज दो यहाँ, मैं तो इसी में लगा रहेगा। ये जो आपका ड्रोन हमने चलाया वो 2800 का था। हाँ। जो दूसरा वाला है वो कितने का? ये वाला FPV वाला? वो 25,000। बेसिकली हमारे पास ड्रोन्स रेंज है 2800, 8000, 10000, 15000। FPV ड्रोन्स का प्राइसेस इसलिए इतने हायर है क्योंकि उसमें आपको गॉगल्स मिलता है, ट्रांसमीटर मिलता है और ड्रोन मिलता है और प्लस एक बैटरी मिलती है। अभी इंडिया में कौन सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स? We are the first consumer based company. आप पहले ड्रोन मैन्युफैक्चरर नहीं हो, पहली तो बात ये सच है। आप क्या पता पहले 2800 वाले ड्रोन मैन्युफैक्चरर होंगे। ड्रोन वाले बहुत होंगे इंडिया में। अमेज़न पे जाएंगे तो बहुत सारे ड्रोन्स दिखेंगे अपने को। मैंने भी खरीदे वहीं से ऑब्वियसली। सर कंज्यूमर वाले आप जो ड्रोन्स देख रहे हो वो DJI के ड्रोन्स है, पैरट के ड्रोन्स है, और पैरट इज अ USA ब्रांड। पैरट इज अ फ्रेंच ब्रांड। DJI इज अ चाइनीज ब्रांड। अब दोनों नहीं मिलते हैं, अब बैन हो गए हैं। यस सर। मैंने अभी ड्रोन देखा वहाँ पे नजदीक से, उसमें बैटरी है, वायरिंग है, कंपोनेंट्स हैं, ये पूरा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सब आप इंडिया में कर रहे हैं। चाइना, ताइवान, हांगकांग से 3 जगह से हमारे अलग अलग वेंडर्स हैं। सो हम उनके वहाँ से पार्ट्स लाते हैं और इधर आके वो इंटीग्रेट होता है और उसकी असेंबली पूरी तैयार होती है। तो आपने कहा बाकी बाहर के अलाउड नहीं है, मैं इंडिया में बना रहा हूँ। पार्ट्स तो अलाउड होंगे, ड्रोन्स नहीं अलाउड होते। इंडिया में अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स रिक्वायर्ड है। अभी इतना में स्केल भी नहीं है कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली, अभी ये बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है। करेक्ट। अभी ये स्केल की बात कर रहे हैं तो 18.75 वैल्यूएशन आप लेके आए हैं यहाँ, तो आपका रेवेन्यू क्या है लास्ट ईयर का और लास्ट मंथ का? सो हमारा जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू इट्स 13 लाख रुपीज। क्या बात है। वेरी गुड, वेल डन। मुझे तो और कम लग रहा था, माय एक्सपेक्टेशन वाज लोअर, बट मैं काफी इंप्रेस्ड। और लास्ट ईयर इट वाज 85 लाख रुपीज, और जो अप्रैल से लेके अभी तक का हमारा ऑलरेडी 44 लाख रुपीज हो गया, एंड वी आर लुकिंग टू क्लोज इट एट 4 करोड़ रुपीज, बिकॉज हमारा जो VIT है चेन्नई, दे आर सेटिंग अ ड्रोन लैब फॉर द स्टूडेंट्स। सो फॉर देम वी आर गिविंग ऑल अवर ड्रोन्स एंड इक्विपमेंट्स टू देम। सेकेंडली जो VIT वेल्लोर है वो हमसे 2 एग्रीकल्चर ड्रोन्स भी खरीदने वाले हैं, वेयर 1 ड्रोन विल बी कॉस्टिंग 8 लाख रुपीज। अच्छा भाई ओशी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपका इक्विटी स्प्लिट कैसे है और हर एक के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और मेन 13 लाख स्प्लिट B2B B2C, ताकि मुझे आपके विजनली थोड़ी क्लैरिटी आए। हम लोग का जो इक्विटी स्प्लिट है वो अभी इक्वल है। मैम अर्थ है CEO, मैं हूँ COO और देवांत है CTO। जो 13 लाख है वो हम लोग का ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 40% इज हमारा प्लग एंड फ्लाई FPV ड्रोन्स और बाकी का जो 60% है वो स्पेयर पार्ट्स है। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो आपने बताया B2B और B2C के लिए, 0 sales इन B2B, B2C में इट्स कम्प्लीटली 13 लाख रुपीज। ओके। आपका बेचते हो आप 2500 में, इसके मेरे को पीछे पूरा नीचे तक बताओगे? 2500 का बेचते हो, कितना GST है, कितना सेल है, कितने का पड़ता है, क्या प्राइस पड़ता है, आपको कितना बचता है? सो आपने जो 2700 का बी ड्रोन है उसको हमारा 14-15+18% GST, 1450+18% GST पे हम लोग की खरीदी होती है वो,
और 2700 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी में हम सेल करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन करीब टू बी 30-35% बनता है। तो हजार रुपए बचता है, हजार रुपया और हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी आगे चल के आप सिर्फ ये ड्रोन्स का हार्डवेयर बनाओगे, इसका सॉफ्टवेयर बनाओगे यार, सर्विसेज भी प्रोवाइड करोगे साथ में? हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करेंगे, वी आर नॉट गोइंग इनटू द सर्विस सेक्टर। हम लोग अभी तक जो वर्क कर रहे थे वो हार्डवेयर पे वर्क कर रहे थे। जैसे जैसे आगे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बन जाए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। आपको कोई भी रिमोट कार कंपनी की ब्रांड के बारे में पता है? एनी कंपनी दैट्स बिकम बिग इन द वर्ल्ड? नो, नहीं, क्योंकि वो सब कमोडिटाइज हो गए। कंज्यूमर हार्डवेयर एप्लीकेशंस फॉर ड्रोन्स विल बी कंप्लीटली कमोडिटाइज्ड। आप कह रहे हैं रेगुलेशन के कारण आप सिर्फ अकेले हो, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर देयर आर हंड्रेड्स। और जो सर्विसेज स्पेस है वो काफी बड़ी कंपनीज कर रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है ये बहुत कंपेटिटिव होने वाला है स्पेस। फॉर दीज रीजंस आई एम आउट, आई विश यू द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें हमने खुद ने क्या क्रिएट किया, हमने आके पार्ट जोड़े हैं या फिर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी वजह से हम डिफरेंट हैं? बेसिकली द असेंबली ऑफ द ड्रोन, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस पे कई लाइंस की काफी कोडिंग की जरूरत होती है। उसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपको कोडिंग क्या करनी पड़ी इसके ऊपर? हाँ, उसमें एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है ड्रोन में, जो की ब्रेन है ड्रोन का बेसिकली। तो वो जो फ्लाइट कंट्रोलर है उस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग अभी डिजाइंस, न्यू स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम लोग खुद के ला रहे हैं और उसके पेटेंटिंग हम लोग एक साल के अंदर ही कर देंगे। कोई मिला आपको आज तक पेटेंट? नहीं सर, अभी तो ये 2 years ओल्ड कंपनी है, बट हमारे फंडिंग होने के बाद हम लोग अब डिजाइनिंग पेटेंट। फंडिंग होने के बाद मतलब आपकी फंडिंग हुई है? यस, सो हम लोग ने 25 lakhs रुपीज रेज करे है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12.5 crores एंड ऑल्सो वी हैव रिसीव्ड 10 lakh रुपीज ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निधि प्रयास VITTPI। आप बेचते कहाँ पर अभी ये सारी जो सेल्स है आपकी, कहाँ पर हो रही है? ये सब कुछ हमारे वेबसाइट द्वारा ही की जाती है। आपकी वेबसाइट पे लोग आते कैसे? एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन इन दिस 2 years इज organic marketing, which is word of mouth marketing. We haven't spent a single amount of money. Wow. That's how we are growing and now we are a young profitable startup. जो मेरे को समझ में आया है, अभी ये too early है, पर आप लोग बड़े जबरदस्त हो, लग रहा है कि आप bettable हो, तो 50 lakh हम आपको equity देंगे, 25 lakh में, 25 lakh हमन, 25 lakh debt देंगे, वो भी 12.5 lakh हमन, 12.5 lakh में, और 50 लाख हम आपको जो है 20% इक्विटी लेंगे। That's it. And इसका रीजन ये है कि ये टोटली आप लोगों पे बैठे है। What is your interest rate on the loan? इंटरेस्ट नहीं यार लोन पे, आपको पैसे चाहिए, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए 25 लाख पे। आखिरी सवाल मेरा अभी तक सब। क्या ऑफर बन रहा है? अभी मैं ऑफर देने के पहले आप सवाल पूछना अलाउड होता है? या तो पूछ सकते हैं आराम से। आपने बोला कि हमने जितनी भी सेल करी उसमें मार्केटिंग का एक रुपया भी खर्च नहीं किया, सारा वेबसाइट के थ्रू बेचा, जबकि तो मैं आपका राज जानना चाहूंगा, सारा ऑर्गेनिक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है आपके पास? हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है, हमारे पास फर्स्ट डे से कंटेंट राइटर्स है जो हमारा कंटेंट लिखते हैं, आपने पहले बताना चाहिए था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्चुअली ये लोग देखना चाहते हैं आपने क्या किया है, हम ये देखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। नमिता जी से एक बार बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आके ऑफर देते हैं आपको। अमित पक्का ना? सवाल नहीं है, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे। अनुपम हो सकते हैं एक दो सवाल और आ जाए। गुड, हम आपको ऑफर देना चाहेंगे 75 lakh, नो लोन वोन, आप कहाँ लोन के चक्रों में पड़ रहे हो, एज स्टूडेंट कहाँ से वापस हो गए, स्टूडेंट लोन ही मार देता अपने को, तो अपन लोग बिना लोन के चलते हैं, 75 lakh इक्विटी ऑफर है और मैं और नमिता आधा आधा कर रहे हैं, इसके अलावा हम आपको 15% में कर रहे हैं, यानी कि केवल 5 crore की वैल्यूएशन, आपको 2.5 crore की लगाई, मेरे को विश्वास है कि आप बहुत बड़ा काम करोगे, तो हमारी तरफ से ये ऑफर। We would like to do a counter offer. बताइए। 75 lakhs
फॉर 5% ऑफ द इक्विटी. हम चाहेंगे कि आप चार शार्क्स एक साथ मिलकर ये ऊंची उड़ान भरे. विल मेक श्योर कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे ये ऑफर ये कंपनी में डाल के. 5% पे तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा. हम मैच कर सकते हैं 75,15% जो उनका ऑफर है. हम लोग फाइनल ऑफर कर देते हैं आपकी थोड़े क्योंकि आप इतना चाहते हैं कुछ चेंज हो तो 75 लाख में 12% हो गया फाइनल ऑफर. 6.25 करोड़ वैल्यूएशन. हमने बेटर वैल्यूएशन दिया है. ऑल टुगेदर वी कैन डू इट एट 12%. लेट्स डू इट ऑल फॉर 12%. नहीं पीयूष मना कर चुका. प्लीज 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 पीयूष प्लीज बताइए बताइए क्या अच्छे बोल रहे हैं कर. तो हम चारों शाख आने को तैयार है पर 15% लेंगे 75 लाख 75 लाख के लिए. आंसर यस और नो. डील डन शाख्स. तो मैं मेरा चेक इंडिया की फर्स्ट FPV वुमेन पायलट. आज के जमाने में कितने टैक्सेस आ गए हैं ना. प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड अब तो फैट टैक्स भी आ गया है. मान लीजिए आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए एंड आपको एक गारमेंट पसंद आया है जिसका प्राइस है लेट्स से 1,000 रुपीज एंड आपको वो गारमेंट चाहिए इन साइजेस अबव XL एंड 2XL. तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद उस गारमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े. इसको हम कहते हैं फैट टैक्स. एंड शार्क्स देयर वाज अ नीड फॉर अ ब्रांड जो ऑनर करे लोगों की इंडिविजुअलिटी को एंड हेंस अंगरखा वाज बॉर्न. अंगरखा है एक ऑनलाइन साइज इंक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड जो बनाता है एक्सट्रीमली फैशनेबल कूल ट्रेंडी कपड़े फॉर ऑल साइजेस एंड अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज लाइक ड्रेसेस स्कर्ट्स कोऑर्डिनेट सेट्स एंड ऑल्सो इंडियन वेयर. अच्छा. हमारा स्पेशलाइजेशन है कस्टमाइजेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात सारे साइजेस के प्राइस हैं बिल्कुल सेम. हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है. हमने आज तक 10,000+ कस्टमर का ऑर्डर्स फुलफिल किया है और हमारा सोशल मीडिया पे 55,000+ फॉलोअर्स है. और हम इंडियन वेडिंग मार्केट एंटर कर रहा है फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर. हम अंगरखा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इन द साइज इंक्लूसिव कैटेगरी सो दैट जब भी कोई शॉपिंग करने जाए ये ना बोले काश ये मेरे साइज में होता. हेलो शार्क्स, मैं हूँ असाना रियामाई. और मैं हूँ विशाखा भास्कर और हम हैं अंगरखा के फाउंडर्स. शार्क्स हमारा आस्क है 40 लाख रुपीज फॉर 5% इक्विटी. एंड नाउ शार्क्स प्रेजेंटिंग टू यू अंगरखा. Sushaks, this is what size inclusivity looks like. Thank you so much, girls, for being here Thank today. Thank you, guys. Amazing presentation. Thank you. Welcome to Shark Tank Season 2. Thank you so much. Thank you. आपका नाम है विशाखा. हाँ जी. आपका नाम मैं नहीं समझ पाया था. असाना. असाना. Yes. क्या मतलब होता है असाना का? ये है मेरा पेट नेम क्योंकि मैं मणिपुर से आई हूँ. Wow. जो नाम रखा है बहुत लंबा है और मिस प्रोनाउंसिएशन होता है तो मेरी मम्मी पापा ने छोटा नेम दिया है सो दैट सबके लिए आसान हो. आसान इज असाना. यस यस. और इसमें ना ऐड कर लिया. सो स्वीट. लेकिन बता तो दीजिए आपका ओरिजिनल नाम एक बार सुनने में अच्छा लगे. संगाई लोंगले प्रिया माय. ओह वाओ.
तो पहले मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की क्या कहानी है, जर्नी कहाँ, बैकग्राउंड क्या है आपके? मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है मैंने वहाँ से, बट मेरी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ. सो इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फैशन ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए, मोस्टली ऑन मिड साइज एंड प्लस साइज फैशन. सो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं इतनी सारी लड़कियों से ऑनलाइन कनेक्ट हुई, जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉब्लम सबको आती है कि साइज अगर बड़ा है तो स्टाइल फैशन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके लिए कपड़े बनाने हैं. एंड देन आफ्टर माई कॉलेज मैंने फर्स्ट डिजाइनर फैशन जॉब मैंने जो पिक करी वहाँ मैं आसाना से मिली. एंड देन एक दो साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके एक साल बाद मैंने आसाना को कॉन्टैक्ट किया कि क्या आप आना चाहोगे. सो शी वॉज ऑल गेम. आसाना, आप बताएं अपने बारे में कुछ. एक्चुअली मैं दिल्ली में आए हैं कॉलेज करने के लिए एंड साथ साथ आई वॉज वर्किंग एंड सपोर्टिंग माई सेल्फ. व्हेन आई जॉइन द फैशन इंडस्ट्री मेरे को लग रहा कि अच्छा ये मेरे लिए सूट करेगी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कपड़ा बना के ये सब करने में. आसाना जी, आप मणिपुर में कहाँ से हो? तमेंगलोंग. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडरडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. क्या आबादी है वहाँ की? 30-40,000 होगा बस, ये छोटा सा है. वहाँ से बहुत लोग कम निकल के दिल्ली आते होंगे कॉलेज के लिए. हाँ. तो आपने जो जर्नी तय की वो इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टेप. मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है. ओह वाओ. अच्छा, तो उसने बताया कि जाके एक्सप्लोर करो एंड ही वाज ओपन. उसकी वजह से आई हैव रीच्ड टिल हियर. तो आसाना और विशाखा, आप सचमुच इंडिया में ये बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं मोटी मोटी बुलाते हैं उसकी टारगेट मैं भी बन चुकी हूँ. आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ओनली प्लस साइज के लिए फैशन बनाती हूँ और ना कि सब साइजेस के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द प्लस साइज इंडस्ट्री ये है कि वो प्लस साइज लोगों को एक आउटकास्ट की तरह फील करवाते हैं. हम उनको इंक्लूसिव फील करवा रहे हैं कि आपके लिए अलग सेट ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके लिए अलग सेट ऑफ साइज चार्ट नहीं है, आप इसी का ही पार्ट है. लेकिन आपकी स्टार प्रोडक्ट्स या बल्क जो बिजनेस आएगा वो प्लस साइजेस से आएगा, करेक्ट? नॉट रियली. अभी हमारी वेबसाइट पर देयर इज अ 50-50 रेशियो ऑफ नॉर्मल साइजेस एंड प्लस साइजेस. वी डू नॉट प्रमोट आवरसेल्फ एज अ प्लस साइज ब्रांड. मोस्टली हम बताते हैं कि प्लस साइज की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम एक साइज इंक्लूसिव ब्रांड है. बिकॉज लेट्स जस्ट फेस इट, शायद प्लस साइज ब्रांड से भी प्लस साइज लोगों को खरीदने में डेफिनेटली एम्बैरेसमेंट होती है. गुड पॉइंट. मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी थ्रोलिंग. मेरी जो वाइफ है वो भी प्लस साइज है, तो वो भी हमेशा ढूंढती है तो बहुत मुश्किल नहीं मिलते साइज में कपड़े. आई हैव बीन विद हर इन मॉल ढूंढने के लिए, साइज कहाँ मिलेगा, राइट? प्रॉब्लम ये जेन्युइन है. ये प्रॉब्लम है. आप वेबसाइट दिखाना चाहेंगे अपनी? हाँ जी. ओह नाइस, वेरी नाइस. ये बहुत ही न्यू एज डिजाइनिंग है. किसने करी ये डिजाइन? मैंने. बहुत बढ़िया किया, मतलब अमेजिंग लुक. थैंक यू. क्या मतलब है आपके लोगो का? अंगरखा का मतलब वैसे संस्कृत में होता है प्रोटेक्टर ऑफ योर बॉडी, एंड यही स्टाइल होता है कुर्ते का जो लॉर्ड कृष्ण माइथोलॉजी में दिखाया उनको पहने. थोड़ा एथनिक वियर ब्रांड ज्यादा लग रहा है. दिस इज समथिंग वी वर वेरी क्लियर अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि अगर कभी अंगरखा एक ग्लोबल नेम भी बनता है तो पता चलना चाहिए कि इंडिया से आया है. सेल्स क्या है आपकी? व्हेन वी स्टार्टेड कोविड से पहले उसमें हमने किया है 14 लाख. उसके बाद जब कोविड आए तो 7 लाख, एंड हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है 1.16 करोड़. बहुत बड़ी. वेल डन. थैंक यू. 7 लाख से 1.16 करोड़, ये कैसे चमत्कार हो गया? सो जब हमने स्टार्ट किया था, आसाना लाई अपना टेक्निकल नॉलेज, मैं लाई अपना सोशल मीडिया का नॉलेज एंड जो भी मैनेजेरियल नॉलेज था. जो हम भूल गए वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो दैट वॉज अ वेरी बिग फैक्टर जो हमने कोविड के 2 ईयर्स में स्टडी किया थ्रू डिफरेंट स्मॉल कोर्सेज, एंड देन जो भी अपनी नॉलेज थी उसको अप्लाई किया. एंड दीज सेल्स आर ओनली थ्रू फेसबुक एड्स. एंड दीज आर ओनली थ्रू योर साइट, मतलब मार्केट प्लेसेस में नहीं बेचते आपको? यस, हमारे ओनली ऑन आवर वेबसाइट. मार्केट प्लेसेस में एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? मार्केट प्लेसेस में देयर इज अ लॉट ऑफ रश कि कल चाहिए. कस्टमर ने अगर कैंसिल किया तो वो आप ही के ऊपर आएगा. सो हमारा इन्वेंट्री तो होता ही नहीं है कि हम कल भेज दें. ऑर्डर करने के कितने दिन बाद आप डिलीवरी देती है? वी यूजुअली डिस्पैच इन 7-8 डेज.
बट जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हैं दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम पॉइंट अभी तक. लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जब कस्टमाइजेशन होता है तब यू नो ऑन स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है. हमारे पास कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट ओनली 27% आती हैं. इंटरेस्टिंग. रेस्ट आर पिक्ड फ्रॉम द साइजेस. लास्ट दो तीन महीने में कैसा रन रेट है आपका सेल्स का? सो इन द मंथ ऑफ मे हमने किया है 13 लाख, जून में किया है 15 लाख और जुलाई में किया है 24 लाख. वाओ, ऐसा क्या किया आपने जुलाई में? मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया? हमने मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया और हमने एक्सप्लोर किया एक न्यू मॉडल कलेक्शन में ही. अभी तक हम सॉलिड्स कर रहे थे, हम प्रिंट्स में गए तो वो हमने बोल दिया कि एक्सक्लूसिव है, आपको इतना ही मिलेगा, आपको लेना है आप ले लो, उसके बाद नहीं मिलेगा. स्मॉल बैच प्रोडक्शन तो वो निकल गया. सही है, गुड स्ट्रेटजी. कितना मार्केटिंग स्पेंड किया 24 लाख की सेल के लिए? वी डिड 2.9 लाख. दैट्स इट. दैट्स इट. एक यूनिट इकोनॉमिक्स ही पूरा समझा दीजिए हमारे को, इतने का बेचते हैं, इतने का बनता है. हां, लेट्स से कि एक ड्रेस है, मान के चलो ये वाला है, वो 2900 के है, तो ये है मेकिंग कॉस्ट से 900, द कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, स्टिचिंग, जिप, बटन सब मिलाके. हां, उसके ऊपर आएगा जीएसटी एक्स्ट्रा. कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 12%. 12% तो वो निकाल देते हैं हम 335 1700. अच्छा, लॉजिस्टिक्स कितना? 100-150 रुपए. हां, 100 रुपए. और मार्केटिंग कॉस्ट इसके अंदर? अराउंड 300. तो आपका इवेंचुअल हर प्रोडक्ट पे, आपने जैसे ये 2900 का बेचा तो इसमें आपका इवेंचुअली तो 1500 रुपए तक बचा, करेक्ट? 1200 रुपए बचा. 1200 रुपए बचा. यस. नेट प्रॉफिट कितना हुआ? लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट काफी कम था, इट वाज अराउंड 20%. अभी हमारा नेट प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल लाइक दिस फाइनेंशियल ईयर हम ऑलरेडी 35% टच कर चुके हैं. ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए साल कमा रहे हैं आप इस बिजनेस से, व्हिच इज कमेंडेबल. मतलब अमेजिंग. आपको पता है ना ये बात? थोड़ा अंडर प्ले करते हैं बट ओके. बहुत हंबल है. अपना रिपीट ऑर्डर रेट के बारे में थोड़ा बताइए, आपके कस्टमर कितनी बार 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 ऑर्डर करते हैं? 27% कस्टमर आते हैं वापस. अमेजिंग. चलो, मैंने डिसीजन बना लिया है. पहले तो कहना चाहूंगा साना जी, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ. थैंक यू सर. आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट रेज करना है या नहीं करना. अगर करना है तो ये मल्टीपल कैटेगरी विल बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन द स्केल एक्सपेक्टेशन विल बी वेरी हाई और ये नहीं पता कि उसके बाद अर्निंग उतनी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी. तो इसलिए मैं इससे बाहर हूं. बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड यू आर डूइंग वेरी वेल. थैंक यू शार्क. थैंक यू. जब एक इन्वेस्टर आप में पैसे डालते हैं आपके बिजनेस में, तभी उनको एग्जिट मतलब जो रिटर्न होता है वो दो तीन यू नो एवेन्यू से मिलता है, राइट? एक तो या तो आप और फंड रेज करेंगे और उसमें हमको एग्जिट मिलेगा, या कोई बड़ी कंपनी आपको अक्वायर करेगी, या तीसरा आप आईपीओ जाएंगे पब्लिक मार्केट में और वहां हमारा स्टेक निकाल के रिटर्न्स कमाएंगे. जब हम कहते हैं कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप उस साइज तक नहीं पहुंचेंगे जहां हमें ये 3 या 4 एरियाज की एक विजिबिलिटी होगी और इसके वजह से आई एम आउट. थैंक यू. थैंक यू. असाना एंड विशाखा, आई एम आल्सो आउट. मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ब्रांड स्ट्रेटजी लगी. अगर आप बोलते कि मैं खाली प्लस साइज हूं देन आई वुड हैव लुक्ड एट इट एक एंगल से, लेकिन आपने बोला कि मैं प्लस भी हूँ और ब्रांड भी हूँ. बट ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक्स. आप यहाँ तक आ गए हो ये बेमिसाल बात है. 30% मार्जिन लाना कोई मजाक नहीं, लेकिन यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है. अगर आप कस्टमर के दिमाग में एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्लीन और क्लियर इमेज लेकर नहीं आते, आज वो बात नहीं दिख रही है. इस वजह से मैं आउट हूं. देखिए, मैं ऑफर देना चाहूंगा आपको. इस केस में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का गेम है, आपको अपना गेम आता है फैशन का, मेरा गेम है डिजिटल मार्केटिंग का, और मुझे लगता है मैं आपकी काफी हेल्प कर देता हूँ इन बूस्टिंग द सेल्स फ्रॉम करंट नंबर्स टू मच हायर. आपकी जो आज थी वो थी 40 लाख पे 5%. इतने कम इक्विटी में इतनी मेहनत करने का मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा 40 लाख फॉर 20%. ओके. 2 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई मैंने आपकी. हाँ,
हम एक काउंटर ऑफर करना चाहेंगे. कैन वी गेट द सेम अमाउंट फॉर 15%? मैं 20% लेना इसलिए जाऊंगा, बहुत काम करना है मेरे को इसमें सच में, और आपको सच में वैल्यू भी दे पाऊंगा मेरे व्यू में. देखिए ये अभी बिजनेस एज इज जो है ना अभी इन्वेस्टेबल नहीं है, तो इनका काम है इसको इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाना. अभी इट इज अ गुड पर्सनल बिजनेस. सो दैट्स द लास्ट ऑफर. दैट्स द लास्ट ऑफर. लेट्स गो. ठीक है, इट्स अ डील. गो फॉर इट. यू शुड. इट्स अ डील. पक्की. ऑसम. अमेजिंग. ग्रेट गाइस. अब आपके साथ अमित आ गए हैं. अब रबर अप इन अ गुड वे. You're an inspiration. Thank you. Congratulations. Thank you. Keep rocking and looking forward to working with you. Thank you so much. Thank you so much, Alex. Thank you. All right, guys. Yes. इतिहास के पन्नों में जब नाम लिखा जाए ना, तो हमारे ग्रुप का नाम भी आना चाहिए. Build something that will last longer than all of us. मेरा नाम है अमित जैन. मैं हूं कार देखो खुद का को फाउंडर एंड सीईओ, और ये कंपनी मैंने अपने भाई के साथ अनुराग के साथ मिलकर बनाई. मैं आता हूं जयपुर से. पापा भी रिजर्व बैंक में थे और दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में, तो ऐसा नहीं था कि बहुत अथाह पैसा है, बहुत ही लिमिटेड मीन्स होते. एक लिमिटेड मीन मैंने देखा पापा और दादू दोनों को, कि उन्होंने किस तरीके से ये परिवार को जोड़ा, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करके भी खुशी मिलती है. अनुराग का साथ होने से जर्नी बड़े मजेदार रही है. इनिशियली जब हम स्टार्ट करे तो बहुत ही डिफिकल्टी हुई हमारी, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करे थे हमारे पास क्या ऑफिस जो था हमारा वो हमारे गैरेज में था. यहाँ पर प्रैक्टिकली क्यूबिकल थे इस साइड और इस साइड, 10 लोगों की बैठनी चाहिए. एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग रूम था हमारे पास जहाँ मैं पढ़ाता था. जयपुर में आईटी इंडस्ट्री उस टाइम इवॉल्व थी नहीं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर जो यहाँ छोटी थोड़ी बहुत कंपनी थी उनके बुलाए, उन्होंने सेटअप देखा, वो सेटअप देखे इंटरव्यू नहीं दिया. तो हमको लगा यार अब क्या करो, तो हम लोगों ने फिर बोला कि यार सारे जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एमसीए कॉलेजेस हैं, तो उस टैलेंट पूल को हमने फ्रेशर्स को अट्रैक्ट कर लिया. वहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो टीम बनाई सारे फ्रेशर्स, मैं और अनुराग लगते रात भर कोडिंग सिखाते, सब सबके साथ काम करते लिटरली वन ऑन वन. तो ये फ्रेशर जो टीम थी हमारी वो आज लीड करती है हमारी कंपनी. तो बॉस वाला रिलेशन नहीं है, एकदम पारिवारिक से संबंध है. जो ग्राउंड कनेक्ट आपको चाहिए वो बहुत सॉलिड होता है यहाँ. स्टेबिलिटी को वैल्यू करी जाती है हमारे यहाँ. मेरे को इम्पैक्ट पे बहुत फर्क पड़ता है कि कहाँ लार्ज इम्पैक्ट मिलता है. और शार्क टैंक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, शार्क मेरे पास इतने सारे आइडिया सुनने का मौका मिलता है और सपोर्ट करने का मौका मिलता है राइट फाउंडर्स को. तो मुझे लगता है आपको हर फाउंडर कुछ सिखाएगा. आप तो सिखा ही रहोगे, पर आप सीख भी रहोगे. अमित विल बी द बेस्ट शार्क. वो है ना, ही वाज बॉर्न फॉर दिस. मुझे लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के जीवन के अंदर, मतलब मुझे लगता है कि अमित कैन क्रिएट 100x डिफरेंस. अरना मुझे पसंद नहीं, डील पसंद आएगी तो चाहिए. बड़ी डील्स करने आए द बिग शाकिर से. नमस्कार शार्क्स. नमस्कार. डायबिटीज हम सब लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है. अगर हम अपने आसपास देखें तो आधे लोगों को तो पहले ही डायबिटीज है और बाकियों को होने ही वाली है. अरे यार ऐसे मत बोल. इसका मेन कारण है हमारी डाइट. वैसे कहने को तो हम वेजिटेरियन है, लेकिन वेजिटेबल नहीं खाते. सुबह से शाम तक ग्रेन्स ही ग्रेन्स खाते हैं. तो बेसिकली हम वेजिटेरियन नहीं, हम ग्रेनिटेरियन है. और जो ये ग्रेन्स हैं ये बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है. अब आप ये सोचेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड होता क्या है? ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का एक पैरामीटर है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा. जैसे कि हम गेहूं का आटा ले लें, तो 100 ग्राम गेहूं का आटा जिससे 4-5 रोटियां बन जाती हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड 50 होता है.
वो बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, और जब डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इवन कुछ लोगों को तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और शार्क्स अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन जाएगा, और ऐसा होने से हमें रोकना है, और इसके लिए आज हम लेके आए हैं डायवेक्सी। मैं हूं लोकेंद्र तोमर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरा नाम निशु तोमर है और हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं। न्यूट्रोएक्टिव हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो वेट लॉस के रिलेटेड है जिनको हम न्यूट्रोएक्टिव ब्रांड से सेल करते हैं, और एक है डायवेक्सी के प्रोडक्ट जो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेल करते हैं। डायवेक्सी खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड नॉर्मल प्रोडक्ट से 80-90% तक कम होता है। जैसे हम डायवेक्सी आटा बनाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड मात्र 7 है। ऐसे नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ब्लड शुगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते और खाने में भी टेस्टी होते। शख्स 2 साल पहले हमने डायवेक्सी की शुरुआत की थी, और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायवेक्सी से जुड़े हुए हैं और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डायवेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा दें। और शार्क्स इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज अपनी कंपनी का 1% इक्विटी के बदले 1.5 करोड़ का फंड रेज करना चाहते हैं। मुझे डायबिटीज हो गया सुन के। मुझे पानी पीना होगा। लोकेंद्र एंड निशु तोमर जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू सर। काफी अच्छे कॉज पे आप काम कर रहे हैं। डायबिटीज जैसे आपने कहा काफी बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या डॉक्टर हैं? आपको कैसे इतना नॉलेज है इसके बारे में? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर फेल हो गया। इसलिए मैं फार्मासिस्ट बन गया। सो मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे दवाइयों की भी नॉलेज है और मुझे फूड की भी नॉलेज है। तो मैंने फूड और फार्मा को मिक्स करके एक ये नया इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पे फूड में ही थेरेप्यूटिक वैल्यू मिल जाए पेशेंट। इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा अपना शुरू से बताइए आप हिस्ट्री। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो खेती करते थे, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी वो ये थी कि वो आदिवासियों को खेती करना सिखाते थे। तो मैं भी वहीं रहता था जंगलों में उनके साथ ही। घर में थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मतलब उधार पे ही सब सामान आता था पड़ोस की दुकान से, तो वो एक फाइनेंशियल क्रंच रहता था हमेशा। और जब हम दिल्ली आते थे तो यहाँ रात को सड़कों पे रोशनी होती थी, लोगों के पास गाड़ियाँ भी होती थी, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस था। एंड आई थॉट कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आदमी ऐसे जी सकता है, अपनी कार भी हो सकती है आदमी के पास। हाँ जी। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन लाइफ। तो मैंने देखा कि भाई ये बिजनेस जो करते हैं दे हैव सम मनी और उनके पास प्रॉस्पेरिटी है, तो बाकी कुछ समझ में तो नहीं आया, पर इतना समझ में आ रहा था कि अगर बिजनेस करेंगे तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, पर क्या करें ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी जॉब लगी तो मैं दवाइयाँ बेचता था, और दवाइयाँ मैं डायबिटीज की बेचता था। कौन सी कंपनी में? मैं सन फार्मा में काम करता था। तो वहाँ पे एक किताब मिली जब मैंने सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इट्स अ बेस्ट सेलर। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें यार स्कूल में नहीं पढ़ाते। मतलब हम लाइफ में कुछ करना चाहते थे पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही पढ़ते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं सिखाते। बहुत अच्छी बात। तो मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो मैं किताबें खूब पढ़ने लगा, मतलब एक हफ्ते में 3-3 किताबें निपटा देता था। अभी मैंने 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। वंस आई स्टार्टेड रीडिंग तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत सारी बीमारियां तो हम फूड से ठीक कर सकते हैं और ड्रग की जरूरत ही नहीं। फिर अचानक आया कीटो डाइट का बूम। तो मैडम ने फिर सारा जिम्मा संभाला और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वो वेबसाइट बनाना सीखा, फोटोशॉप सीखा, वो सारी चीजें इन्होंने सीखी। तो हमने कीटो के प्रोडक्ट लॉन्च किए और अमेजोन पे खूब सेल होने लगी उससे। कितनी सेल होने लगी? 2016 में हमने शुरू किया था, 16-17 की जो हमारी सेल थी वो 65 लाख थी। 65 लाख के बाद हमने 1.5 करोड़ किया अगली बार, फिर उसके बाद हमने अगले साल 3.25 करोड़ किया। वाओ। फिर उसके बाद हमने 5.25 किया, फिर हमने 8.25 किया, और अभी हमने पिछले साल 13 करोड़ के आसपास किया। और ये 21-22 में 12.8 है टू बी प्रिसाइज। इसमें से घर में कितना बचा?
हम अपनी सैलरी लेते हैं एक तो 1 करोड़ की, दोनों मिला के? दोनों मिला के। तो उसके बाद घर में कितना बजा आपकी सैलरी लेने के बाद? 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें पिछले साल हुआ। आफ्टर 1 करोड़ सैलरी? आफ्टर 1 करोड़ सैलरी 2.5 करोड़ हो गया। हाँ जी। आप मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं इन प्रोडक्ट्स? हाँ जी। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्जिन, फैक्ट्री की कॉस्ट डाल के प्रोडक्ट मार्जिन? जैसे प्रोडक्ट जिस MRP पे बिकता है तो 1/3 तो लगा लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 1/3 लगा लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन जो अमेज़न की वो कॉस्ट, हाँ जी, और बाकी जो 1/3 बचा उसमें टैक्सेस और प्रॉफिट। आपके जो इसमें कस्टमर है रिपीट कितने होते हैं? रिपीट कस्टमर्स हमारी अपनी वेबसाइट पे 70% है। वेल डन, वेल डन। तो 13 करोड़ में वेट लॉस का सेल्स क्या है, डायबिटीज प्रोडक्ट्स का सेल क्या है? अभी जो पिछले साल 50-50 था उससे पिछले साल में 8.5 करोड़ की सेल थी, उसमें 20% वाज डायबिक्सी और इस साल हमारा 70% इज डायबिक्सी। अभी जो हमारी रीसेंट सेल चल रही है वो 1.1 करोड़ के आसपास की चल रही है पर मंथ। तो दूसरा बिजनेस आपका डिक्लाइन हो रहा है और ये बढ़ रहा है? हाँ यस, क्योंकि कीटो डाइट धीरे धीरे फेड हो रही है। कितने SKU से आप 13 करोड़ बना रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट्स डायबिक्सी के 16 हैं इस वक्त, और SKUs तो फिर पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 करके ज्यादा बन जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा आटा बिकता है, 40% सेल डायबिक्सी आटे की है। चलो इसकी डोटी टेस्ट करा दो यार, देखना है, मैं तो कल से खाऊंगा यही। ये रोटी है। अच्छा जी। और ये हमारी आलमंड कुकीज है। अच्छा जी। ये काजू बर्फी है, ये कोकोनट बर्फी है, और ये ब्रेकफास्ट बार है। इसको खाने से वेट भी नहीं बढ़ता और इसको खाने से ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता है। काफी यार, नॉर्मल रोटी टाइप टेस्ट है। नाइस। रोटी बढ़िया। वेरी नाइस। तो ये रोटी है जी। ये क्या है सर? ये बर्फी है, जैसे ये मीठी है लेकिन ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। जो मिठास के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ओलिगो फ्रुक्टोज कहते हैं उसको, तो वो फाइबर का काम करते हैं, तो जब हमने खाया तो मुंह में मीठा लगा और टॉयलेट से बाहर निकल गया तो वो बॉडी में अंदर जाता ही नहीं, तो ब्लड शुगर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट तो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग चीज से बना है। मैंने एक बुक भी लिखी है न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो थॉट प्रोसेस है उसमें गड़बड़ है, कि हम ये कहते हैं कि डायबिटीज एक बार हो गई तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मतलब जैसे बुखार उतर जाते हैं डायबिटीज भी उतर सकती है। आपके रिव्यूज की रेटिंग क्या आती है, जैसे अमेज़न में या जहां जहां बेचते हैं, क्या आपकी रेटिंग क्या है वहां पर? 3.5-4 के बीच में रेटिंग है, 4+ भी है। 3.5 थोड़ा कम नहीं लगा आपको? 3.5 डायबिक्सी आटे की, 4 है। 3.5 किसकी है? किसी कुकीज की होगी। होगी मतलब आपको पता है? एक्चुअली मुझे रेटिंग सबकी याद नहीं है, सॉरी। मैं आज भी अपने सारे कस्टमर्स के फीडबैक पढ़ता हूँ, आज भी जो कस्टमर 3.54 मतलब काफी लोग 1-2 भी डाल रहे होंगे, राइट, उनका क्या रीजन होता है? आपने कस्टमर से बात करी? हाँ, उनका रीजन होता है कि आटा उनको पसंद नहीं आया, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगा, मोस्टली तो यही बोलते हैं, पर आपको तो टेस्ट ठीक लगा ना? ना हमें तो अच्छा लगा। आपके अलावा भी कोई टीम में है? नहीं, बस आप दो ही चला रहे हैं बिजनेस, और कोई एम्प्लॉई नहीं है? नहीं, एम्प्लॉई तो है। कितने एम्प्लॉई है? 40 एम्प्लॉई। तो आपका विजन क्या है कंपनी के लिए, आज से 5 साल में आप कितना बड़ा देखते हैं इस कंपनी को और क्या क्या बिजनेसेस में देखते हैं? 5 साल में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का हम टर्नओवर इसमें कर लेंगे, और हम नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आटा भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी हमने डायबिटीज़ के लिए राइस भी बनाया। कितना महंगा होता है नॉर्मल आटे से, कितना महंगा होता है ये? अराउंड 500 रुपये किलो होता है। भारत में बहुत कम लोग हैं जो इतना पैसा देंगे आपके आटे, ठीक है, और फिर उसके बाद सिर्फ आप एक कंपनी नहीं हो, बहुत सी कंपनीज आ जाएंगी। पर कॉपी भी हो जाएगा ना? हाँ जी, वही इसमें कोई ऐसा फॉर्मुलेशन तो है नहीं जो पेटेंटेड है? देखिए, कंपटीशन तो जब भी बिजनेस ग्रो करेगा तब भी आता है, ना करे तो भी आ जाता है कंपटीशन। तो एक तो हमें लगता है कि क्योंकि हमने इसको शुरुआत किया था तो हमारे पास कॉम्पिटेंस है कि जब भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो वी कैन इनोवेट बिकॉज वी नो इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस जहाँ से शुरू किया। दूसरा, हम वी आर ओपन टू द कोलेबोरेशन विद द पीपल ऑल्सो, कि जो कंपनी है रेदर देन कॉम्पिटिशन वी वुड लाइक टू कोलेबोरेट, तो जैसी सिचुएशन आएगी वैसा काम कर लेंगे। मैं आपको कह देता हूँ मेरा क्या इरादा बन रहा है, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि डायबिटीज़ मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सफ़र कर रहे हैं, एवरी डे दे पे अ वेरी हैवी प्राइस, तो अगर सच में आपके प्रोडक्ट्स फ़ायदा करते हैं लोगों को तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, आप जाने बचा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल गलत रास्ते पर हो,
इन्वेस्टमेंट की खोज में आपका बिजनेस ऐसा है कि वो आप ही हो। आपका बिजनेस जो है आपकी नॉलेज है, आपका बिजनेस जो है निशु जी आपकी एग्जीक्यूशन। एंड आई थिंक उसी को आपको पकड़ के आप काफी अच्छा बिजनेस बना सकते हो। इस वजह से मैं आउट हूँ। मुझे लगता है यू शुड कीप द कंपनी फॉर योरसेल्फ, नॉट गेट एनीबॉडी एक्सटर्नल। गुड लक टू यू। हमारा ऑफर है, देखो हम चारों, अमन भी आ रहे हैं, इनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ा। हम थोड़ा आपको वैल्यूएशन रैशनल भी बता देते हैं। अभी आपका जो ग्रोइंग बिजनेस है डायबेक्सी, उसकी सेल जो है हम 10 करोड़ पकड़ रहे हैं। उसका साल का एबिट्टा हम 1 करोड़ पकड़ रहे हैं। उसका हमने 7-8 टाइम्स एबिट्टा मल्टीपल लगाया तो 7-8 करोड़ आ रहा था। और उसके ऊपर देयर इज अ वैल्यू एडिशन फ्रॉम ऑल फोर। तो आई थिंक ये चार एक्सपर्टीज का भी वैल्यू मिलाते हुए हमने आपको पूरा इक्विटी ऑफर ही दे रहे हैं। 1.5 करोड़ विद 5% ईच शार्क गेटिंग इक्विटी। तो भाई साहब, आपके पास लोकेंद्र जी अभी एक ही ऑफर है, 1.5 करोड़, 4 sharks, 20% ऑफ इक्विटी। मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो आई एम सॉरी। मेरे हिसाब से 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे अगर कंपनी में कुछ डील होती है तो वी लुक आफ्टर, अदरवाइज आई विल इंप्रूव माय सेल्फ टू दैट लेवल एंड देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। बेसिकली आप कह रहे हैं 1.5% ही देना चाहते हैं। वेल डन लोकेंद्र साहब, थैंक यू। आपकी परमिशन हो तो। हाँ जी, हाँ जी, किताब जरूर दीजिए। मैं 15 करोड़ तक जाने के लिए तैयार जी। आप जरा इसके इस पे साइन करेंगे मेरे लिए? आप यहाँ इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, खाली मार्केटिंग करने आए थे? इरादा तो दोनों का था, पर एटलीस्ट एक काम तो हो गया। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। पीयूष, आज शार्क एक्सपीरियंस में इंदौर से विदित आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एमबीए करना जरूरी है? हाय विदित, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एमबीए करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मेरा खुद का एग्जांपल देखिए, मैं कोई एमबीए नहीं हूँ और फिर भी अब मुझे 12 साल हो गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। एक एमबीए स्कूल में आपको नेटवर्किंग मिलती है, कुछ बिजनेस केस स्टडीज समझाई जाती हैं, जो ओवर अ पीरियड आप बिजनेस करते करते भी मिस्टेक्स करके सीख सकते हैं। तो एमबीए करना एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, पर जरूरी बिल्कुल नहीं है।